दोस्तों अब ये हम कह सकते हैं कि भाई बॉलीवुड में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, यानी कि भैया सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बॉलीवुड अपने लाइन पर, यानी कि भैया अपने पटरी पर वापस आ जाएगी बहुत जल्दी। यानी कि भैया मुंबई सिटी की फिल्म सिटी जो है भाई, वो बहुत जल्दी ही शूटिंग से गूंजने लगेगी। यानी कि भैया लाइट कैमरा एक्शन, यानी कि भैया डायरेक्टर का ये मैजिक वर्ड बहुत जल्दी ही फिल्म सिटी सुनने वाला है। तो दोस्तों अब बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल के आने लगी हैं बॉलीवुड के गलियारों से कि भाई बहुत जल्दी जल्दी फिल्मों के काम शुरू होने वाले हैं, क्योंकि मेकर्स जो कि उनको इतने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं इस 2 महीने के दौरान, तो भैया इस नुकसान को वो बहुत जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं, यानी कि इस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। और इसके लिए बताया जा रहा है कि शूटिंग जो है वो ऑन होंगे। और भाई अब इन खबरों में बॉलीवुड के दबंग खान का भी नाम सामने आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों आपको याद होगा कि आज हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था भैया कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म का शूट बहुत जल्दी चालू कर सकते हैं, यानी कि बेल बटन का, यानी कि बेल बटन को लेकर जो खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में ये फिल्म ऑन हो जाएगी, यानी कि फ्लोर पर चली जाएगी। और इसका शेड्यूल जो सबसे पहले चालू होगा वो लंदन वाला होगा। तो अक्षय कुमार को लेकर तो हमने आपको खबर बता दी थी, लेकिन अब सलमान खान को भी लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है कि उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का जो पैच वर्क है वो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। यानी कि बताया जा रहा है कि सलमान खान की इस फिल्म का लगभग 10 से 15 दिनों का काम बाकी है, यानी कि इस दौरान सलमान खान को 2 गाने और उसके बाद अपने फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को पूरा करना है, यानी कि क्लाइमेक्स का कुछ पार्ट इसका बाकी है और उसके साथ 2 गाने फिल्माए जाने हैं। उसमें से एक गाना जो है वो दिशा पटानी के साथ होने वाला है। तो दोस्तों दिशा पटानी के गाने को ही लेकर बहुत बड़ी खबर आई है कि भाई सबसे पहले गाने का ही काम शुरू होगा, क्योंकि भैया ये गाना जो है वो इंडोर शूट होने वाला है और अगर बारिश भी होती है तो भाई इस गाने का काम चालू रहेगा। यानी कि भैया सलमान खान की टीम जो है वो अब अपनी फिल्म को, यानी कि भैया राधे और मोस्ट वांटेड भाई को फ्लोर पर ले जाने के लिए तैयार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रभु देवा बहुत जल्दी ही रोल कैमरा एक्शन, यानी कि भैया राधे के लिए ये मैजिक वर्ड बोलने वाले हैं। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म कम से कम 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये खबर सुनकर कि भैया राधे और मोस्ट वांटेड भाई का जो बचा हुआ पैच वर्क है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और हमारे इस चैनल का नाम है वायरल न्यूज जंक्शन, जिसको आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है और वैसा ही प्यार हमें चाहिए हमारे नए चैनल के लिए। यानी कि दोस्तों इन दिनों हमने एक नया चैनल चालू किया है, यानी कि भैया मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक नया चैनल चालू किया जिसका नाम है टेस्टी कटोरी। और इस चैनल में हम आपको अलग अलग तरीके के फूड बनाकर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से उन व्यंजनों को अपने घर में बना सकते हैं। तो आप उस चैनल को भी जरूर देखें, उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आप लोगों से मेरा बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप उस चैनल को देखें और अपने व्यूज हमें जरूर बताएं कि आपको वो चैनल कैसा लगा और उसमें क्या क्या सुधार आप चाहते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो प्लीज आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा टेस्टी कटोरी को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर देखिएगा इसे।